वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम ज़कात के हवाले से बात कर रहे थे, तो आप ये फरमाइए कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी आमदन 1 लाख से ज़ायद है, उसके मुकाबले में दूसरा शख्स ऐसा है जिसकी आमदन 5 हज़ार है या 5 हज़ार से भी कम है, तो ये फरमाइए कि क्या दोनों पर ज़कात वाजिब है? देखिए, मैंने जैसा कि पहले गुजारिश की कि ज़कात की एक से ज़्यादा शक्लें हैं। एक शक्ल वो है कि ज़कात प्रोडक्शन पर है, जिसको कि जिसमें हम सैलरी को भी शामिल कर रहे हैं। यकीनन अगर आप इसका सवाल पूछ रही हैं तो जिसकी आमदनी 5 हज़ार रुपये माहाना है, उस पर कोई ज़कात नहीं लगनी चाहिए। एक कम से कम एक होनी चाहिए ना सैलरी की अमाउंट, जिससे कम पर आप ज़कात नहीं देंगे। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो टैक्स का निज़ाम है, उसमें एक ख़ास अमाउंट है कि जिससे कम जिसकी सैलरी होती है उसको नहीं देनी होती टैक्स। इसी तरह से ज़कात का भी मामला है। लेकिन अगर वही 5 हज़ार रुपये माहाना सैलरी या वेज हासिल करने वाला फ़र्द, उसके घर में सोना है और सोना इतना है कि जिस पर ज़कात शरीयत के मुताबिक लाजिम आती है, तो फिर तो उसको ज़कात देनी होगी। और अगर वो ज़कात नहीं दे सकता तो उसको फिर अपना सोना बेचना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने अपने पास इतनी दौलत रखी हुई है कि जिस पर आपके ऊपर ज़कात लाजिम आती है, तो फिर आपको ज़कात देनी है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस सोने से पैसे पैदा करें। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक कॉलर इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम। मैं यहाँ बोल रही हूँ लाहौर से। जी जी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि अगर मैंने एक जमीन ली हुई है अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, और वो मेरे पास 2-3 साल से पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी उसके लिए ऑब्वियसली पैसे जमा कर रही हूँ अपने घर बनाने के लिए, क्या उस जमीन पे ज़कात लगती है? जी ठीक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं ज़कात मिसाल के तौर पर पूरे साल की कैलकुलेट करके निकाल लेती हूँ, तो क्या मैं पूरा साल 12 महीने उसको एक लिमिटेड अमाउंट में उसको बांट के मैं पूरा साल उसको दे सकती हूँ? ठीक है, मजीद कोई सवाल है आपका? हेलो। जी जी, आप मजीद कोई सवाल करेंगी? जी बस यही है। चलिए ठीक। देखिए, दूसरे सवाल का जवाब तो ये है कि बिल्कुल आप ऐसा कर सकती हैं। आपने अपनी ज़कात को दयानतदारी से कैलकुलेट करना है साल के एक दिन, मिसाल के तौर पर पहली रमज़ान को। फ़र्ज़ कीजिए कि मालूम हुआ कि वो ज़कात आप पर लागू होती है, आप पर आयद होती है 50 हज़ार रुपये की अमाउंट में, तो आप उसको फिर माहाना भी अपनी सैलरी के साथ पेमेंट उसकी कर सकती हैं। जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक़ है, अगर आपका मौजूदा घर किराए का घर है, तो ज़ाहिर है कि फिर आपकी अपना घर होना एक आपकी ज़रूरत है। उसमें अगर आपने उस मकसद के लिए ज़मीन ली है, तो उस पर अगर आप ज़कात न दें, तो इंशाल्लाह ये वो चीज़ है कि जिस पे आपका मुआवजा नहीं होगा। इसलिए कि हर ज़रूरत की चीज़ के लिए अल्लाह ताला के यहाँ ये छूट है कि वो ज़कात के उस अमाउंट के उसमें कैटेगरी में नहीं आती कि जिस पर इंसान को ज़कात देनी होती है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के शुरू में हमारे एक कॉलर ने पूछा था कि क्या ज़कात अलल ऐलान देनी चाहिए, तो ये फरमाइए कि जब हम अलल ऐलान ज़कात देंगे और वो ज़कात हम किसी सफ़ेद पोश को दे रहे होंगे, तो क्या इस तरह उन सफ़ेद पोशों का इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होगा? नहीं नहीं, ये मैंने जो बात की थी वो एक दूसरे सवाल का जवाब था कि आप अगर लोगों को बताएं, यानी मैं अपने किसी दोस्त को बताऊं कि देखो मैं तो ज़कात दे रहा हूं, तो तुम्हें भी ज़कात देनी चाहिए। लेकिन जो शख्स ज़कात ले रहा है उसको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको इज़्ज़त नफ्स उसकी मजरूह हरगिज़ ना करें, बल्कि अगर आप उसको ऐसे दें ज़कात के पैसे कि जिससे उसको इत्मीनान हो, उसे महसूस हो कि उसका भरम भी रखा जा रहा है, उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं हो रही है और उसकी मदद भी हो रही है, तो यही हमारे दीन में मतलूब है। बताना कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, इसकी हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था। जी जी। कि जो जिस तरह की ऑप्शंस आजकल इस्लामी रियासत यहाँ पे लोगों को दे रही है और ज़कात कलेक्शन, क्या इसकी मिसाल कोई हमारी तारीख में हदीस की रोशनी में या फलफा की जिंदगी में ज़कात कलेक्शन में इस तरह की रिलैक्सेशन की कोई भी मिसाल है? और दूसरा जो आपने गवर्नमेंट नेशनल टैक्स कलेक्शन के लिए उसने सख्त कवानीन बनाए और लोगों को फोर्सफुली तो उस बात तो कई इस्लामी फरीजा है, उसके लिए गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स क्यों नहीं लेती? क्या ये अन इस्लामिक नहीं है? और इस प्रोग्राम
क्वेश्चन की विसातों से मैं डॉक्टर साहब से एक और चीज की क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज का अगर ये काइंडली हमें थोड़ा सा गाइड कर दें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी वैलिडिटी क्या है, हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं। शुक्रिया जी। ठीक देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है ज़कात को हुकूमत की जानिब से लेने का, तो हकीकत ये है कि ये हुकूमत ही का हक है और हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़कात वसूल करे और फिर ज़कात को तकसीम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में बिल्कुल ऐसा ही होता था। आपकी जानिब से उन लोगों को के जो ज़कात कलेक्ट करने जाते थे, ये ज़रूर हिदायत थी कि वो लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, उनके साथ कोई ज़्यादती ना होने पाए। ताहम लोगों को भी हिदायत थी कि जब भी हुकूमत की जानिब से ज़कात वसूल करने वाले लोग आएँ वो उनको ज़कात अदा करें, इसलिए कि ज़कात असलन हुकूमत ही को हासिल करनी चाहिए और हुकूमत ही के ज़रिए से उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। रही ये बात कि जो आपने पूछी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी, देखें इंसान ज़ाहिर है कि दीन पर गौर करता है मौजूदा हालात में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। मेरी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक इंश्योरेंस पॉलिसी को इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है, अगरचे कि इंश्योरेंस कंपनीज़ में ये एक रुझान है कि वो अपनी तमाम रकूम या बड़ी रकम जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ये उनके यहाँ की एक खामी है, एक आम आदमी की ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कोई इंशाल्लाह जिम्मेदारी या पाबंदी नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, आजाद कश्मीर से नसीर अहमद बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछेंगे आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं मुलाजिम हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, मैंने गवर्नमेंट से HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, तो उस कर्ज पे भी मुझे ज़कात देनी है या और तो वो कर्ज मैंने आगे फिर किसी को दे दिया, वो जरूरतमंद को दे दिया, तो क्या इस सूरत में मुझे ज़कात देना पड़ेगी? देखिए, अगर आपने अपने मकान के बनाने के लिए लोन लिया हुआ है और उस लोन की रकम को आप अदा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो आप मिसाल के तौर पर सैलरी पर जो ज़कात का मामला होता है उसमें से माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर नसीर साहब आपने लोन तो लिया हुआ है लेकिन अगर बेगम साहिबा का ज़ेवर भी है, तो ये ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी और पेचीदा बात है। उसकी वजह यह है कि आदमी आम तौर पर जब कर्ज़ लेता है तो वो एक मजबूर आदमी होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो कर्ज़ लेता है। हमारे मौजूदा दौर में ये सूरत हाल पैदा हो गई है बैंकिंग के निज़ाम की वजह से और दूसरे इदारों की वजह से कि हम अच्छे खासे खाते पीते भी होते हैं और हम कर्ज़ भी ले रहे होते हैं। तो असल में ये कर्ज़ वो कर्ज़ नहीं है कि जिसके लेने के बाद अब आपको कोई ज़कात नहीं देनी, इसलिए कि असल में तो कर्ज़ लेने के नतीजे में ज़कात ना देने की सूरत उस वक्त पैदा होती कि जब आप कर्ज़ उस वक्त लेते कि आपके पास कुछ भी ना होता। तो आप अपनी सैलरी में से इतना हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास जेवरात हैं या और वैल्यूएबल्स हैं उन पर ज़कात तो आपको देनी होगी।